वेलकम टू जस्ट वन मोर चैप्टर इन वन मिनट। आज जैसे ही सुरेश का व्हाट्सएप पे हाय आया और उसने जैसे ही रेणु को उस बगीचे में आने को कहा, अचानक से सारी कॉलेज के दिनों की यादें रेणु के चेहरे के सामने आ गई और रेणु का चेहरा फक सा पड़ गया। पर फिर भी रेणु ने बहुत हिम्मत जुटाई और वो उस बगीचे की तरफ चली गई जहाँ वो दोनों अक्सर ही कॉलेज के दिनों पे घंटों बातें किया करते थे, प्रेमचंद की बातें करते थे, कभी महादेवी वर्मा के जीवन के किस्से आपस में बतियाते रहते थे और सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। आज रेणु को समझ नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू करी जाए। सुरेश भी कुछ असहज सा है और उसको अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसने आज वो व्हाट्सएप क्यों कर दिया। उसको अब रेणु से क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आज रेणु और सुरेश खुद बात करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अगला चैप्टर।